मुजफ्फरनगर का हरिनगर गांव जश्न में झूम रहा है। गाजे बाजे के साथ सड़कों पर लोग हैं। इनमें आम लोग तो हैं ही, स्थानीय नेता भी मौजूद हैं। लेकिन ये किसी नेता का जुलूस नहीं है, ना ही ये कोई बारात है, बल्कि इस जश्न की वजह है ये तोड़। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी नगर पंचायत के गांव हरिनगर में सोमवार को एक खेत की खुदाई के दौरान ये तोप निकला तो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। आनन फानन में बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी समेत तमाम लोग वहां इकट्ठा हो गए। तोप को फूल मालाओं से सजाया गया और गाजे बाजे के साथ पुरकाजी के ऐतिहासिक सूली वाला बाग लाया गया। यहाँ से जो भी तोप और सामान निकलेगा वो सूली वाला बाग में पुरकाजी पे ये वहाँ पे लगा जाएगा, क्योंकि उन्हीं शहीदों के सम्मान में ये यहाँ पे खुदाई करवा के पूरे गांव वालों ने ये जो तोप निकली ये पूरा सामान वहाँ पे जाएगा। माना जा रहा है कि ये तोप 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के शौर्य का प्रतीक है। आजादी की उस लड़ाई में इलाके से 417 सेनानियों को फांसी दी गई थी, तभी से इस जगह का नाम सूला वाला बाग पड़ गया। 26 जनवरी को पूरे सम्मान के साथ इस तोप को सूली वाला बाग में स्थापित करने की योजना है। आज पूरे हिंदुस्तान के सामने सच आ चुका है कि सूली वाला बाग के शहीदों का जो शौर्य का प्रतीक है, ये तोपे उन शहीदों की शौर्य का प्रतीक है जिन्होंने 1857 में अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं, निश्चित रूप से सूली वाला बाग पर ही जाएगी। आजादी की लड़ाई में मुजफ्फरनगर का अहम योगदान रहा है। डीएम और एसएसपी आवास पर इसी तरह की 3 तोपें लगी हैं जो इलाके के शौर्य का बखान करता है। संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर आज तक।